खुद को मनी लॉन्डरर्स और दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने वालों से बचाने के लिए DNFPPs के लिए AML-CFT कंप्लायंस प्रोग्राम्स मुतारिफ कराना लाजमी है। एक कंप्लायंस प्रोग्राम किसी भी इदारे की बनाई गई वो अंदरूनी पॉलिसियां और तरीकाकार हैं जिनका मकसद AML-CFT कवानीन, कवायद और जवाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाना और साथ ही साथ इस इदारे की साख को बरकरार रखना है। इन पॉलिसियों को तहरीरी तौर पर डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ तब्दील होते हुए खतरात और कानूनी जिम्मेदारियों के मुताबिक अपडेट करना चाहिए। AML-CFT कंप्लायंस प्रोग्राम्स के दो बुनियादी अज्जा होते हैं, रोकथाम या बचाव के लिए इकदामात और अंदरूनी कंट्रोल्स। बचाव या रोकथाम के इकदामात उन पॉलिसियों या तरीकेकार पर मुश्तमिल हैं जो मालियाती जराइम करने वालों को DNFPPs के जरिए पाकिस्तानी फाइनेंशियल सिस्टम में दाखिल होने से रोकने के लिए मुतारिफ कराए जाएं। इनमें शामिल हैं मुकम्मल तहकीक और जांच करके क्लाइंट्स की अच्छी तरह शनाख्त करना और साथ ही साथ उन लोगों को भी जिनके नुमाइंदे की हैसियत से वो लेन देन कर रहे हैं, बशमूल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के बेनिफिशियल ओनर्स, और इस तमाम मालूमात को अपडेट रखना भी जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का खतरा ज्यादा होने की सूरत में इजाफी इकदामात करना जिसमें ऐसे खतरे के हामिल क्लाइंट से मजीद मालूमात का हसूल शामिल है। मशकूक लेन देन और 20 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की कैश ट्रांजैक्शंस पर नजर रखना और ऐसे मामले की पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को इतला देना और क्लाइंट्स की उन इदारों और अफराद की लिस्ट के मुताबिक स्क्रीनिंग करना जिन पर पाकिस्तान और अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में माली मुआवनत या बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव से ताल्लुक की वजह से पाबंदी आयद है। DNFPPs की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे अफराद को फंड्स या खिदमात मुहैया ना करें, उनके असासे मुंजमद करें और उनसे मुतल्लिक मालूमात अपनी निगरान अथॉरिटी को दें। इसके अलावा इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए कि DNFPPs और उसके मुलाजमीन इन जिम्मेदारियों को मौसर अंदाज में निभा रहे हैं, DNFPPs को कई अंदरूनी कंट्रोल्स मुतारिफ कराने चाहिए। इनमें शामिल हैं एक AML-CFT कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती जो कि अमल दरामद के प्रोग्राम को मौसर अंदाज में चलाने का जिम्मेदार होगा, जिसमें शामिल हैं पॉलिसियां और तरीकेकार तश्कील देना, उन पर अमल दरामद की निगरानी करना, कंट्रोल्स में कमजोरियों की निशानदेही करना और DNFPP में ही अपनी सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, स्टाफ की तरबियत और ट्रेनिंग करना इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो DNFPP की पॉलिसियों और तरीकेकार पर अमल दरामद करना जानते हों, मशकूक लेन देन की निशानदेही और रिपोर्ट कर सकें और साथ ही साथ पूरी ईमानदारी से काम करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम तमाम मुतल्लिका स्टाफ के लिए होना चाहिए और उसे अपडेट रखना लाजमी है। एक आजादाना ऑडिटिंग प्रोग्राम मुतारिफ कराना जो DNFPP के अंदर वक्तन फवक्तन AML-CFT कंप्लायंस प्रोग्राम के मौसर होने की जांच करता रहे। बचाव और रोकथाम के इकदामात और अंदरूनी कंट्रोल्स पर मबनी मुकम्मल कंप्लायंस प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल दरामद DNFPPs को मुजरिमों के हाथों में खेलने से महफूज बनाएगा और ये यकीनी बनाएगा कि DNFPP पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे।